पुलिस और वकीलों के बीच का विवाद कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। वकील अपनी मांग पर आज भी कायम हैं, वहीं आज वकीलों ने तीसदारी कोर्ट में भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। वकीलों का कहना है कि जब तक वकीलों पर फायरिंग करने वाले दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक उनका यह भूख हड़ताल जारी रहेगा। इसी पर वकीलों से बात की हमारे संवाददाता संजय वर्मा ने। शनिवार को हुए दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच टकराव का मुद्दा गरमाता जा रहा है। अब वकील इंसाफ के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। हमारे साथ बहुत सारे वकील हैं जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं इंसाफ को लेकर। सर, आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, हड़ताल पर क्या मांगे हैं और क्या मांग सकते हैं? सर, हमारी एक ही मांग है, जो सीनियर ऑफिशियल के कहने पर उसने गोली चलाई, पुलिस वाले ने छाती में गोली मारी, उसे इमीडिएटली अरेस्ट कर लें, उसके खिलाफ जो कानूनन जो भी सेक्शन बनते हैं उनके उसके अंदर बंद करके, और उसके बाद वी आर रेडी टू कम्प्रोमाइज द मैटर विद द पुलिस ऑफ। लेकिन ये कहा जा रहा है कि दोनों को आपस में बैठ कर सलाह मशवरा करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो भी हड़ताल की वजह से आम लोगों को काफ़ी परेशानी भी हो रही है। मेरे भाई, इसमें मेरा कहना सिर्फ ये है कि कोई हमें मारे, हम दूसरा का लागे नहीं कर सकते। हम न्याय के मंदिर में बैठे हैं, न्यायाधीश हमारे साथ हैं, हम कानून की बात करते हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हमें नियतों पे गोली चलाए और हम उनको कहें वेलकम, आप आ जाइए, हम सारी आपकी डिमांड पूरी करेंगे। नो, वी कैन नॉट कम्प्रोमाइज दिस मैटर टिल अरेस्ट देम जिन्होंने ये गुंडा कर। बिल्कुल, और सारे बहुत सारे वकील हमारे पास। सर, ये बताइए कि अंतर विरोध आखिर खत्म कैसे होगा, पुलिस को भी अपनी बात करनी है, वकील भी अपनी बात कर रहे हैं। ये जभी खत्म होगा, जो कसूरवार जो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने गोली चलाई है वकील की छाती के ऊपर, उसके खिलाफ लीगल एक्शन। सर, हाई कोर्ट ने उनकी रिव्यू पिटीशन खारिज कर दिया, अब ये अब तो वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि अब किसी तरह की न्यायिक जायज होगी जिस तरह से पहले की बात हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग क्यों हड़ताल पर हैं? नहीं, उनकी जो रिव्यू पिटीशन है वो खारिज नहीं हुई, उन्होंने एप्लीकेशन ये फाइल करी थी कि जो साकेत कोर्ट में वकील साहब के खिलाफ जो FIR है, FIR जो उनके ऊपर एक्शन रोका है उसको रिस्टेट किया जाए। उनकी जो डिमांड है वो एप्लीकेशन है, इस ग्राउंड पे डिसमिस। सर, ये बताइए इस विवाद का अंत कब होगा? ये देखिए, इसका अंत बहुत सिंपल है, बड़ा आसान है। जो भी दोषी पुलिसकर्मी है आज वो अरेस्ट हो जाते हैं, आज ही स्ट्राइक कॉल ऑफ हो जाएगी। और उसके बाद मान लो कोई ऐसा हमारे सीनियर्स जो वकील सीनियर्स हैं, पुलिस सीनियर्स जो ऑफिशियल हैं, अगर वो बैठ के कोई मीटिंग करते हैं तो उसका हल निकाला जा सकता है। लेकिन पहले रॉन्ग डूअर मस्ट बी पनिश्ड, ये क्रिमिनल लॉ में कहा जाता है कि रॉन्ग डूअर मस्ट बी पनिश्ड। तो कब तक सर ये हड़ताल जारी रहेगी? ये जब तक वो अरेस्ट नहीं होते तब तक हड़ताल जारी रहेगी। बिल्कुल, देखिए वकीलों का साफ कहना है कि जब तक ये हड़ताल जारी रहेगी, जब तक उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि ये अंतर विरोध जो है लगातार गहराता जा रहा है, और इस अंतर विरोध का कब समाप्त होगा, ये कब तय होगा, ये देखने की वाली बात है। संजय वर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।